पार्ट वन में हमने देखा था कि शो और बाकी सब एक अनजान टेस्ट दे रहे थे, जिसमें सबको जंप करना होगा एक डिस्प्लेट के ऊपर। सारे जंप करके वो टेस्ट पास कर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आती है। अब देखते हैं आगे। वो लड़की सारे लोगों को एक लाइन में खड़े होने को कहती है। सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और तभी उनको पता चलता है कि जहाँ वो लोग खड़े हैं वो एक हाईटेक रूम है। वो लड़की उनको कहती है यहाँ जो भी हुआ वो सब एक होलोग्राम था। वापस कहते हैं कि ये गहरे समंदर में बेस्ड एक खुफिया सर्विस इंस्टीट्यूट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सभी ने पहली टेस्ट पास कर लिया है। वो लड़की अपना नाम लियाना बताती है और कहती है इंस्ट्रक्टर मैक्रोव और मैक्स मेरे साथ होंगे। आने वाले दिनों में हम तुम लोगों को गाइड करेंगे। तभी तानियो बीच में बोलता है और कहता है कि स्काई सिमुलेशन होलोग्राम बहुत सही काम करता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। सारे ऑब्जेक्ट्स होलोग्राम के अंदर बहुत नाजुक है और होलोग्राम के अंदर चीज़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है। मुझे पहले से ही पता था कि यह सब एक होलोग्राम है। तभी मैक्स कहता है कि यह होलोग्राम सिस्टम आउटडेटेड हो गई है, इसको अपडेट करना होगा और यह सिर्फ मिस्टर जू ही कर सकता है। इंस्ट्रक्टर मैक्रोव उनको बताता है कि तुम सभी डीप सी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। पहला टेस्ट बहुत आसान था। आने वाले परीक्षा आपका भविष्य तय करेगी कि आप यहाँ रहेंगे या नहीं। लियाना चेतावनी देते हुए कहती है कि कुछ और दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश करो। शो हंसते हुए कहता है कि ये वक्त भी आ गया है कि अब इस बुद्धे के साथ। तभी लियाना पीछे मुड़कर उसे देखती है। शो डर के मारे चुप हो जाता है और फिर सभी लोगों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दिया जाता है। वहाँ पर लियाना उन लोगों को बताती है कि आप अपने स्क्रीन पर अपनी एबिलिटीज़ देख सकते हैं। आप लोग इस कॉलेज में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक रियल एजेंट हैं। और याद रखना, जो भी खुद को प्रूव करेगा और आखिर तक सर्वाइव करेगा। तभी तानियो बीच में कहता है कि 400 प्लस नंबर का क्या मतलब है। इंस्ट्रक्टर मैक्रोव बताता है कि ये तुम्हारी एबिलिटी है जो ये निर्णय प्रणाली से परे है। तानियो कहता है ये मेरा नहीं है, इसका है। तभी शो उस ट्रेन वाले फाइट सीन को याद करता है जहाँ पर लिंग जबरदस्त फाइट कर रही थी। आगे तानियो का कहना है कि ये न्यू स्टूडेंट नहीं है। इंस्ट्रक्टर लियाना उससे कहती है कि तुम इतने फ्री नहीं हो सकते कि खुद गलत गेस करने लगो। वापस कहती है कि सभी अपना कंप्यूटर ऑन करें और मेन्यू पे क्लिक करें। शो खुद से कहता है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे दोबारा स्कूल नहीं जाना, लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर मैक्स उनको रिपोर्ट देता है जिसमें वो कहता है कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के लिमिटेड एक्टिविटीज़ है, जब ये लिमिट्स अप्लाई कर दी जाएगी तो अलार्म खुद ही ऑफ हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर लियाना उनको बताती है पास होने वाले स्टूडेंट सेकेंड टेस्ट के मिशन में एस ट्रेनी एजेंट्स हिस्सा लेंगे। तभी जू कहता है कि मैं कब जीन लॉग लाइब्रेरी विजिट कर पाऊंगा। सुना है कि गॉड गन यूरी की जीन एबिलिटीज़ वहाँ पर कैड है। जिस पर लियाना कहती है एजेंट वर्ल्ड में जो लोग अफवाहों पर यकीन करते हैं उन लोगों को एजेंट बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। और लियाना आगे कहती है कि याद रखना डीप सी कॉलेज एक खुफिया स्पाई कॉलेज है, इसलिए बाहरी लोगों से किसी भी तरह से कॉलेज के बारे में कोई खुलासा ना करना। ये कहकर लियाना और बाकी इंस्ट्रक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। शो उनके पीछे भागता है और लियाना से कहता है कि आप भी एक इंस्ट्रक्टर हो है ना, और बहुत ताकतवर भी हो। लियाना उसे कहती है कि प्लीज़ उन बातों पर वक्त जाया ना करे जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो। शो वापस कहता है कि शुक्रिया मुझे ट्रेन में बचाने के लिए, ये इंस्टीट्यूट बहुत लाजवाब है, पर क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं। जिस पर लियाना उसे कहती है कि तुम वापस जाना चाहते हो। शो कहता है हाँ बिल्कुल, आपने मुझे पहले बचाया उसका मैं आभारी हूँ, पर अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लियाना उसे कहती है कि तुम जानते हो ना ये जगह डीप सी इंस्टीट्यूट गहरे समुद्र के अंदर है जो प्रोफेशनल एजेंट्स को तैयार करती है, क्या तुम सही में वापस जाना चाहते हो। शो जवाब देता है कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, ऐसे ख्वाब नहीं देखता। ये कहकर शो वहाँ से जाने लगता है, पर लियाना उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं और यही एक रास्ता है खुद को जिंदा रखने का। शो कहता है कि मुझे वापस अपने घर जाना होगा और उनका इंतज़ार करना होगा, मेरे पेरेंट्स जिंदा है मुझे पूरा यकीन है, मैं आपके कॉलेज के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर शो वहाँ से चला जाता है और फिर फ्रंट डोर से चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक AI रोबोट उसके ऊपर वार्निंग साइन लगा के एक शील चारों ओर बना देती है जिसके कारण वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इंस्ट्रक्टर मैक्रोव वहाँ पे आते हुए शो से कहता है कि अभी तो कुछ वक्त गुजारा है और आप कॉलेज के नॉन प्रोहिबिटेड जगह में आ गए हैं, आप भूल गए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का आना मना है। शो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं वापस जाता हूँ, लेकिन रूम तक पहुँचने का रास्ता मुझे मालूम नहीं, क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं। गुस्से में इंस्ट्रक्टर मैक्रोव का कहना है कि टैब खोलो और मैप से देखकर अभी डॉर्मेट्री में जाओ। उसके बाद हम शो को डॉर्मेट्री में जाते हुए देखते हैं जो खुद से कहता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ।
फिर हम टियानो को देखते हैं जो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि इस कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है। टियानो शो को आते हुए देख लेता है, इसलिए वो फिर शो को चिराते हुए कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस कॉलेज का टेस्ट कोई गधा भी अपनी आंखें मुंह सब बंद करके आराम से पास कर सकता है। ये सुन के शो टियानो के पास जाके उसको चिराते हुए वहाँ से चला जाता है। पीछे टियानो फ़ोन पे किसी को शो के बारे में पता लगाने को कहते हैं। शो थका हुआ अपने रूम में पहुँच जाता है और बैग से अपना फ़ोन बाहर निकालता है और कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी कोई भी कॉल नहीं लगती, इसलिए वो सो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो उस ट्रेन पर अटैक करने वाले उन स्पाइडर्स का बॉस है। उसका आदमी उससे कहता है कि टारगेट को पकड़ नहीं सके और वहाँ ट्रेन में डीप सी एजेंट्स ने उन टारगेट को अपनी हिरासत में ले लिया है, जिस पर उनका बॉस उसको कहता है दूसरे टारगेट के लिए तैयार रहो और CT-17 को जल्दी पकड़ लो। फिर सीन चेंज होता है और सब स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े होते हैं। लियान्ना उनको कहती है कि ये ग्रुपिंग मशीन है, अब आप रेंडमली अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आप सभी को इस ग्रुपिंग मशीन को चलाकर इसके अंदर से एक बॉल निकालना है। हर बॉल के अंदर एक बैच छुपा हुआ है जो आपके टीम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपना टास्क पूरा करते हैं और उस मशीन से रेंडमली एक बॉल निकालते हैं। लियान्ना उनको बताती है कि ये कोई मामूली बैच नहीं है, इस बैच से आप लोग एक दूसरे से बात कर पाओगे, ये आपका पहचान पत्र भी होगा, इसको संभाल के अपने पास रखना, कहीं खो मत देना। फाइनली ग्रुप्स डिसाइड हो जाते हैं। व्हाइट ग्रुप में लिया, कैट मैंग और कांग येन है और इनका मैक्स इंस्ट्रक्टर होगा। तभी लिया कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैक्स हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो एक जेंटलमैन की तरह लगता है। ब्लैक ग्रुप में डायमोन, मिया, जीव होंगे और इनका इंस्ट्रक्टर है मैक्रॉप, और रेड ग्रुप में टानी और लिंग होंगे। रेड ग्रुप में उनको रखा जाता है जो ऑलरेडी एजेंट बनने वाला हो। इंस्ट्रक्टर लियान्ना तानी और लिंग को कहती है कि मैं हूँ आप दोनों का इंस्ट्रक्टर। और फिर हम शो को देखते हैं जो अपने रूम से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ किसी भी आउटर रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता। एक रूम का दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें इंस्ट्रक्टर मैक्रॉप होता है। शो कहता है कि क्या इत्तफाक है, मैं तो बस बाथरूम ढूंढ रहा था। मैक्रॉप उससे कहता है कि जब आप कोई गलती करते हैं पहली बार तो उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब वही गलती बार बार करने लगे तो उसे सजा दी जाती है और आपको भी सजा ही मिलेगी। फिर मैक्रॉप शो का बैग चेक करता है, उसके बैग से खाने की चीज़ें निकलती है। शो कहता है कि सभी कैंटीन से मैंने ली है, पर मैक्रॉप उसकी नहीं सुनता और उसे ट्रेडमिल की सज़ा देता है और फिर वो उसे लियान्ना के पास ले जाता है। और यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 2।